इस्लामाबाद में हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस अहलकार अलर्ट हैं। ग्रैंड अलायंस की आदत का कहना है कि हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफे का मुतालबा किया और कहा कि तनख्वाहों में तफरीक के शिकार विफाकी मुलाजमीन को एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस अहलकार अलर्ट हैं। ग्रैंड अलायंस की आदत का कहना है कि हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफे का मुतालबा किया और कहा कि तनख्वाहों में तफरीक के शिकार विफाकी मुलाजमीन को एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस अहलकार अलर्ट हैं। ग्रैंड अलायंस की आदत का कहना है कि हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफे का मुतालबा किया और कहा कि तनख्वाहों में तफरीक के शिकार विफाकी मुलाजमीन को एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जाए।